हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आज आपको सिखाने वाले हैं कि जी रोलर कैसे लगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको और बहुत ही जल्दी आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मिल जाता है बॉक्स में, ये देखिए ये रोलर और ये कुछ फिटिंग्स वगैरह हैं। दो रोलर मिलेंगे हमें, एक स्लाइडिंग में एक पैक काफ़ी है। तो नट बोल्ट भी मिलते हैं हमें और ये कुछ फिटिंग वगैरह मिलते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि आपको 4 इंची का धागे लगा के इस तरह से आपको मतलब पेन से धागे लगा लेना 4 इंची का बाद। फिर 4 इंची में मैं धागे लगा के और कुछ इस तरह से मैं धागे लगा लेता हूँ ड्रिल करने के लिए। और 10 mm का या 8 mm का ड्रिल बिट से आप इस तरह से छेदा कर लीजिएगा। बीच में मत कीजिएगा, थोड़ा नीचे कर दीजिएगा बीच में से, ठीक है। तो मैं इस तरह से मार रहा हूँ, पूरा बीच में नहीं करके थोड़ा नीचे करके मार रहा हूँ। तो 8 mm का छेदा हो जाने से फिर उसके बाद हमें इस तरह का कुछ आयरन का पत्ती मिलेगा। तो इस तरह से आपको अंदर से घुसाना है और घुसाने के बाद ऊपर से नट बोल्ट टाइट कर देना। ये बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इससे बहुत ही आसानी तरीका है करने का और स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है। इसे आप आराम से मतलब 10 mm का ग्लास भी आराम से उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले। तो इस तरह से आप दूसरे में भी लगा लीजिएगा। अंदर से पत्ती लगा के ऊपर से टाइट कर देना है नट। और वो गाइस वॉशर जरूर लगाइएगा, एक या दो वॉशर होना चाहिए इसमें। मैं प्रिफेयर करूँगा कि 2 वॉशर हो। तो इस तरह से आप टाइट कर लीजिएगा, वॉशर ऊपर में होना चाहिए। और इसे टाइट करने के लिए हमें 10 नंबर का रिंच चाहिए होगा। दाल रिंच अच्छा होगा टाइट करने के लिए। 10 जितना टाइट कीजिएगा उतना बढ़िया होगा। और इस तरह से वॉशर ऊपर करके और इस तरह से आप लगा दीजिएगा, फिर आप टाइट कीजिएगा। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.